चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पोर्ट्स क्रेजी को बेल आइकन की घंटी पर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। बात करते हैं भारतीय टेनिस की चुनौती के बारे में ओलंपिक्स 2020 संस्करण के एतबार से। तो सानिया मिर्जा और अंकिता रैना जो है वो कंफर्म टेनिस एंट्रीज है वुमेन्स डबल्स की भारत की तरफ से, जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। और कोई भी जगह बनी नहीं है मेंस टेनिस डबल्स प्लेयर की। अगर हम बात करें, रोहन बोपन्ना और दिव्य शरण का नाम प्रमुख रूप से था, पर उनकी जगह नहीं बन पाई ओलंपिक्स 2020 के संस्करण में, जिनकी कंबाइंड रैंकिंग जो है वो 113 है। और उनकी चांसेस ओलंपिक्स में तभी बन सकते हैं जब तक मल्टीपल विड्रॉल्स नहीं होंगे। अगर मल्टीपल विड्रॉल्स नहीं होते तो कोई चांस नहीं है रोहन बोपन्ना और दिव्य शरण का ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने का। और आपको बता दें, अगर ऐसा होता है, जो कि लगभग तय माना जा रहा है, ये पहली बार होगा कि इंडिया का कोई भी मेंस डबल्स की टीम जो है वो समर ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगी सिंस 1992 से। लेकिन जो लैक ऑफ क्लैरिटी है कि मेंस डबल्स का क्या कट है, मेंस डबल की क्या रैंकिंग का कंसिडरेशन रखा गया है, वो जो है बोपन्ना को थोड़ा सा परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं कट के बारे में काफी दिनों से लोगों से पूछ रहा हूं, बट टू बी ऑनेस्ट किसी को भी पता नहीं कि कट एग्जैक्टली है क्या। उन्होंने ये भी कहा कि ITF जो है वो रिलीज भी नहीं कर रही ऑफिशियल कट। कोई कहता है 2 आउट है, कोई कहता है 4 आउट है। टेक्निकली उन्होंने ये बताया कि हम सभी कट में इन्वॉल्व है, यानी हम सभी जो है वो मेक इन टू कर सकते हैं डबल्स टीम में भारत के लिए ओलंपिक्स 2020 के संस्करण में। तो उन्होंने कहा कि जो कंबाइंड रैंकिंग थी लास्ट टीम की वो 204 थी, पर इस बार ITF ने क्या किया है, सिंगल्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी है अहेड ऑफ डबल्स रैंकिंग। उसकी वजह से जो गाइज लाइक मिडिल कूप है या फिर हैसे हैं जिनकी कंबाइंड रैंकिंग 76 है, वो भी कट में बेसिकली इन्वॉल्व नहीं हो पाए। और ATP को भी एक क्लियर कट एनालिसिस या क्लियर कट आप कह सकते हैं इस बारे में पता नहीं है। देखिए, इस चीज से कोई भी छुप नहीं सकता, इस चीज से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि डिफिकल्ट टाइम्स है। जापान में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं और ओलंपिक्स को सही ढंग से कराना सारे हेल्थ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसकी वजह से जो न्यूज और खबरें हमारे सामने आ रही है वो ये आ रही है कि मैक्सिमम इवेंट्स में जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको बैन कर दिया जाएगा, ताकि आप कोविड जो है वो सेफ और आप कह सकते हैं सेफली एनवायरमेंट में कंडक्ट करा सकें। अटेम्प्ट जो है, मैं आपको बता देता हूं ऑर्गेनाइजर्स का है कि कम से कम एथलीट्स को रखा जाए ताकि जो है ओलंपिक्स है उसको सेफर एनवायरमेंट में किया जा सके, जैसे मैंने आपको बताया। बोपन्ना ने कहा कि सिंगल्स को प्रायोरिटी देना और डबल्स को प्रायोरिटी देना, मतलब डबल्स को इग्नोर करना सिंगल्स की वजह से, ये उनको थोड़ा समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा हुआ जैसे अगर आप एक लॉन्ग जंप के लिए जा रहे हैं और एक ही गाय जो है वो हाई जंप कर रहा है, यानी कि सवाल ये उठता है कि आपने सिंगल्स को चांसेस दिया जस्ट बिकॉज आपको कम नंबर ऑफ एथलीट्स को इन्वॉल्व रखना है, दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। मैं आपको बता देता हूं कि रोहन बोपन्ना जो थे वो करेंटली पार्टनर कर रहे थे सानिया मिर्जा को विंबलडन में। उनको हार मिली है और थर्ड राउंड के बाद उनको हार मिल गई विंबलडन से, तो उनकी चुनौती जो है सानिया मिर्जा के साथ मिक्स डबल्स की वो वहीं पर खत्म हो गई। अब सानिया मिर्जा की जो अगली आप कह सकते हैं एक बड़ा स्टेज जो होगा उनके लिए, अंकिता रैना के साथ डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करना होगा ओलंपिक्स के लिए। टेक्निकली जो बोपन्ना ने बात कही है कि अगर आप सिंगल्स को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं बिकॉज ऑफ COVID-19 रिस्ट्रिक्शंस और प्रोटोकॉल्स, आप फ्यूअर एथलीट्स आते हैं और डबल्स को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, तो ये जो है वो कहीं ना कहीं सही नहीं लगता। ठीक है, सिचुएशन बहुत ही अनश्योर है, सिचुएशन बहुत ही अनक्लियर है, लेकिन मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को भी पता होना चाहिए अगर वो डबल्स में खेल रहे हैं भारत के लिए या किसी भी कंट्री के लिए, उनको पता होना चाहिए कि ऑफिशियली जो कट है उसका रूल क्या है। सो ये सारी न्यूज थी जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में देने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।